नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राजधानी रांची में हटिया गुड्स ट्रेड एसोसिएशन के द्वारा एक नवीनीपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के रूप में आज हटिया गुड्स ट्रेड ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने अध्यक्ष के तौर पर ललित ओझा को बनाया। मौके पर एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष ने बताया कि किसी भी प्रकार का समस्या को लेकर एसोसिएशन के प्रति सुनने वाला कोई नहीं रहने से काफी समस्या आन पड़ती थी, इसलिए बड़े ही हिम्मत और विश्वास से मुझे ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाया है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से मांग किए हैं कि समाज के लिए जो सब कुछ ने न्योछावर करके समाज के लिए तत्पर रहता है, उसके लिए सरकार ठोस कदम उठाया है। देखिए, पूरे प्रदेश में परिवहन व्यवसायियों को देखने वाला कोई नहीं है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो एडवांस में सब चीज़ देता है सरकार को, उसके बाद गाड़ियां सड़क पर चलती है। उसी संदर्भ में आज हटिया गुड्स से ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की नवीकरण सभा हुई है और सर्वसम्मति से सभी सदस्यों ने मुझे अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। निश्चित तौर पर यह बड़ी जिम्मेवारी है क्योंकि हटिया रैक पॉइंट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन से लेके सप्लाई ऑफ सीमेंट और सारा मटेरियल वहाँ पे होता है, और अब इनके हित के लिए ये 30-40 साल से वहाँ पे हैं और इनके लिए कोई नहीं। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग आज यहाँ पे नई सभा को बना रहे हैं और अभी अध्यक्ष की घोषणा हुई है। इसके बाद हम लोग पूरी कमेटी बनाएंगे और राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि जो समाज को अपना सब कुछ लगा के दे रहा है, वो व्यवसाय कर रहा है लेकिन जितना खुद ले रहा है उससे ज़्यादा सरकार को और सोसाइटी को वापस कर रहा है, उसके लिए कोई नीति नहीं है। तो कोई ठोस नीति बने इनके सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, इनके व्यवसाय को बचाने के लिए। इन सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग बैठे हैं और हम लोग लगातार यह सिलसिला रुकेगा नहीं। परिवहन मंत्री से लेकर हम लोग DTO लेवल तक जाएंगे ताकि इनको आम दिन में जो परेशानियाँ होती हैं उनसे निजात पाना पड़े, और हम लोग रेलवे के साथ भी बहुत बड़ी बैठक जल्द करने वाले हैं।